औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है, सैमुअल जॉनसन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी टेक्स्ट का, वो हम कवर करने जा रहे हैं। इस पे तकरीबन लाइन नंबर 110 तक हमने जो है पैराग्राफ जो है जो था वो हमने पढ़ लिया था। अब आप तकरीबन 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ्स छोड़ के उससे आगे आ जाइए। तो यहाँ पे ये कहता है कि दिस देयरफॉर इज द प्राइस ऑफ शेक्सपियर दैट हिज ड्रामा इज द मिरर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसके कैरेक्टर्स जो हैं आपको लाइफ लाइक मिलते हैं, मिरर ऑफ लाइफ है कि आपको जैसी लाइफ है उसका एग्जैक्टली वही पोर्ट्रेयल दिया उसने, जो उस जमाने के लोग होंगे जिस तरह से या जो भी है। तो ये काइंड ऑफ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, रियलिस्टिक पिक्चर। एक होता है एक रियलिज्म जो कि लिटरेचर में कहलाता है। रियलिज्म का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को वो दिखाएं जो कि सोसाइटी में हो रहा है, माशरे में जो कुछ हो रहा है आप उसे एज इट इज डिपेक्ट कर दें। अगर तो आप लोगों की स्टोरीज डिपेक्ट कर देते हैं या आप जो कुछ हो रहा है उसको रियल डिपेक्ट कर देते हैं तो वो हिस्ट्री बन जाएगी। अगर उस जैसा कुछ यानी कि मिलता जुलता डिपेक्ट करते हैं तो फिर वो लिटरेचर बनता है। ये पुरानी डेफिनेशन थी, बहरहाल अब इसमें भी चेंजेस आ चुके हैं। आप फॉर्मलिज्म की जो मेरा लेक्चर है वो जाकर सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंसेस यहाँ पे क्या आ रहे हैं। कि जो बंदे मसलन अगर आप किसी के बारे में स्टोरी लिखते रहते हैं और आपको पता ही नहीं है पढ़ने वाले को कि वो रियल स्टोरी आपने लिखी है नहीं लिखी है, तो उसके लिए वो नॉवल होगा या शॉर्ट स्टोरी होगी, मगर आपको पता है कि वो रियल हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन पर्सनस लाइफ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज़ को कंसिडर कर लेंगे। आगे उस नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। हिज एडहेरेंस टू जनरल नेचर हैज एक्सपोज्ड हिम टू द सेंसर ऑफ क्रिटिक्स who from their judgments upon narrow principles, Dennis and Reimer think his Romans not sufficiently Roman, and Voltaire censures his kings as not completely royal. तो कहते हैं कि दो राइटर्स हैं, दो क्रिटिक्स हैं, डेनिस एंड राइमर। वो कहते हैं कि उसके रोमन्स जो थे शेक्सपियर के, अब यहाँ पे उसकी थोड़ी सी वो एक फॉल्ट बयान कर रहा है। वो दो क्रिटिक्स का हवाला दे रहा है, रेफरेंस दे के बता रहा है कि उन दो क्रिटिक ने ये कहा था कि उसके जो रोमन्स हैं वो सफिशेंटली रोमन नहीं है, यानी कि जो बंदा रोम को विजिट करे और जो बंदा बोले वैसे बोले या रोमन डिपिक्शन वैसे दे, पढ़ के दे किसी चीज़ को, क्योंकि ज़माने ज़ाहिर मूवीज़ तो नहीं होती थी, तो रोमन लोगों से अगर आपका इंटरेक्शन नहीं है तो आप लोग जो है एग्जैक्टली किस तरह से पोर्ट्रेल देंगे उसका। तो जिस तरह से चौसर जो है इन कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ही आर्ग्यूज़ के फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज टू हर अनो। तो पेरिस की फ्रेंच जो थी प्रायरस के लिए, वो कहता है कि उसको वो नहीं जानती थी, बिकॉज शी हैड नेवर बीन टू फ्रांस। उसने जो फ्रेंच सीखी थी वो इंग्लैंड में किसी स्कूल के जरिए सीखी थी, और उसको फ्रांस की जो पेरिस जो फ्रेंच थी वो नहीं आती थी। तो इससे पता लगता है कि आपका वहाँ पे मौजूद होना, उन चीज़ों को, उन सोसाइटी को एग्जैक्टली ऑब्जर्व करना जरूरी है। एंड वॉल्टेयर सेंसर्स किंग्स एज नॉट कम्प्लीटली रॉयल, और वो कहता है कि उसके बादशाह जो है वो कम्प्लीटली रॉयल नहीं है, उनके अंदर कहीं कहीं ना कहीं जो है एक मैजेस्टिक टच जो है, जो बादशाहों की जो एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जो बादशाहों का जिस तरह से एक बादशाहों को बनाया जाना चाहिए, वो कहता है कि वैसे उसके बादशाह शेक्सपियर के नहीं हैं। उसके बाद 5-6 लाइंस छोड़ के आगे देखिए। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स और किंग्स, बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। ही न्यू दैट रोम लाइक एवरी अदर सिटी हैड मैन ऑफ ऑल डिस्पोजिशंस। अब यहां उसको वो डिफेंड कर रहा है कि बादशाह जो था, वो कहते हैं कि उसके रोमन्स जो हैं उसके रिक्वायर्स रोमन्स और किंग्स, उसके चाहे अगर उसकी नॉवेल्स में आपको रोमन्स और किंग्स नहीं मिलते मगर जो ह्यूमन बीइंग्स मिलते हैं वो बहुत ट्रू टू नेचर हैं, वो करीब हैं लाइफ से, वो रियलिटी से बहुत करीब हैं। फिर पैराग्राफ बाकी छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट पे आ जाइए। टू सेंश्योर विच ही हैज़ इनकर्ड बाय मिक्सिंग कॉमिक एंड ट्रेजिक सीन्स एज इट एक्सटेंड्स टू All his works deserves more consideration. Let the facts be first stated that then and then examined.
वो कहता है कि ये थोड़ी सी जो है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, और थोड़ी सी मेरी बुक जो है उसमें ये जो है अल्फाज जो हैं वो बहुत फेडेड हैं, तो मुझे पढ़ने में, क्योंकि बुक्स बिकॉज इज अ पाकिस्तानी एडिशन, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, तो पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो कहता है कि उसकी जो कॉमिक और ट्रेजिक सीन्स के ऊपर जो है कि उसकी मिक्सिंग जो वो करता है, तो ये चीज़ भी अलाउड नहीं थी कि आप एक ट्रेजेडी चल रही है तो उसमें कॉमिक सीन्स या मजाहिया सीन्स डाल दें, और अगर कॉमेडी चल रही है तो उसमें आप ट्रेजिक सीन्स डाल दें। तो कहता है कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी सोसाइटी में, या जो प्ले राइट्स थे उनके लिए ये रूल्स में एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं थी, तो उसने उन चीज़ों को भी मिक्सिंग किया। तो कहता है कि इस पर भी काफ़ी इसके ऊपर जो है ब्लेम किया गया शेक्सपियर के ऊपर। नेक्स्ट पैराग्राफ, शेक्सपियर्स प्लेज आर नॉट इन द रेगरस एंड क्रिटिकल सेंस आइदर ट्रेजिडीज और कॉमेडीज बट कंपोजिशंस ऑफ आर डिस्टिंक्ट काइंड। वो कहता है कि शेक्सपियर के प्लेस जो थे वो किसी क्रिटिकल सेंस में ट्रेजेडीज़ या कंप्लीट कॉमेडीज़ नहीं थी, वो मिक्सचर से थे दोनों के, और एक डिस्टिंक्ट काइंड, एक स्ट्रेंज डिफरेंट काइंड थी उनकी, उनकी जो प्लेस की काइंड थी, एक्सिबिटिंग द रियल स्टेट ऑफ सब्लिमिनरी नेचर। तो वर्ल्डली नेचर की जो वर्ल्डली सब्लिमिनरी, सो वर्ल्डली नेचर, तो कहता है कि उनकी रियल स्टेट जो थी दुनिया में जैसे चल रहा था उसने वैसा ही डिपेक्ट किया उसको। Which partakes of good and evil, joy and sorrow, mingled with endless variety of proportion and innumerable modes of combination. वो कहता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, बहुत वसी तौर पे जो है वो चीज़ें जो हैं दुनिया में मिलती हैं आपको, जिसमें गुड एंड ईविल का कम्बिनेशन मिलता है, सॉरो और हैप्पीनेस का कम्बिनेशन आपको मिलेगा, जॉय एंड सॉरो का, और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत मिक्सचर एक दूसरे के अंदर आपको मिलेंगी, मिक्स मिलेंगी आपको। एंड एक्सप्रेसिंग द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड इन विच द लॉस ऑफ वन इज द गेन ऑफ अनदर। तो कहता है कि यहाँ पे एक बंदे का लॉस जो है किसी और का गेन हो जाता है। जब आप मर्चेंट वेनिस पढ़ते हैं तो कुछ लोगों के लिए वो प्ले जो है, जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए वो प्ले हैप्पी एंडिंग के तौर पे लिया जाता है, और जो ज्यूज हैं उनके लिए वो बहुत सैड एंडिंग है, बिकॉज शालॉक जो उसमें ज्यू दिखाया है उसके साथ बहुत ही जो है जुल्म दिखाया गया है, और तकदीर के मामलात भी और सारे, और उसको इतना जो है उसके ऊपर जुल्म दिखाया जाता है कि वो सम पीपल फील पिटी, और वो कहते हैं कि वो कॉमेडी की बजाय वो ट्रेजेडी है, गो किसी के लिए कॉमेडी होगी मगर सबसे ज़्यादा जो मेन कैरेक्टर है शालॉक का, और उसकी वजह से वो ट्रेजेडी बनती है रादर देन कॉमेडी। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे आ जाइए, आउट ऑफ दिस केओस मिंगल्ड पर्पसेस एंड कैजुअलिटीज द एंशियंट पोइट्स अकॉर्डिंग टू द लॉज व्हिच कस्टम हैड प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्टेड सम ऑफ द क्राइम्स ऑफ मैन एंड सम देयर एब्सर्डिटीज सम देयर मोमेंटस विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ एंड सम द लाइटर अकरेंसेस सम द टेरर्स of distress and some the gaieties of prosperity. Thus rose the two modes of imitation known by the names of tragedy and comedy. तो यहाँ कहता है केओस, अब दुनिया में एक केओस है। केओस क्या होता है? जब कोई भी चीज़ अपनी तरतीब में सही पोजिशन पे ना हो, हर चीज़ बिखरी हुई और बेतरतीब हो। तो कहता है कि इस तरह के केओस में जहाँ पे पर्पसेस भी हैं और जहाँ पे हादसात भी हैं, जहाँ पे एंशियंट पोइट्स जो थे वो उनको, उन्होंने लॉज बयान किए थे कि आपने पोइट्री को इस तरह से लिखना है, आपने ड्रामा को इस तरह से लिखना है, उनके लॉज थे, सर्टेन रूल्स उन्होंने बता दिए थे कि आप इनसे हट नहीं सकते हैं। तो कहता है कि लोगों ने फिर क्या किया कि सिलेक्टेड सम क्राइम्स ऑफ मैन एंड सम देयर एब्सर्डिटीज, कुछ लोगों ने उनकी मज़ाक़ा खेज बातों को फोकस किया और कुछ लोगों ने उनके क्राइम्स को फोकस किया, सम द मोमेंटस विसिसिट्यूड्स, और कुछ लोगों ने जो है ऑपोजिट चीज़ें जो चल रही थी कि कुछ अच्छी चल रही हैं कुछ बुरी चल रही हैं, तो उनको भी उन्होंने जो लाइफ के अंदर जिस तरह से बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, कभी एक चीज़ हो रही है कभी दूसरी चीज़ हो रही है, हैप्पीनेस सॉरो हर चीज़ का मिक्सचर हो रहा है, तो कुछ लोगों ने उसको ले लिया, एंड सम द लाइट अक्रेंसेस, और कुछ लोगों ने आम जो है बातें, जिस तरह से अगर आप स्कूल फॉर स्कैंडल पढ़ें, तो स्कूल फॉर स्कैंडल बाय आर बी शेरिडन,
तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो उसमें मजाक ज्यादा है, शुगल है, यानी कि कॉमेडी ऑफ डायलॉग है. इसी तरह से द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड, वहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत मजाहिया सा एक प्ले लिखा गया है जिसमें फन है और विदाउट काइंड ऑफ हर्टिंग एनीबडी. वहाँ पे तकलीफ दे कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ही है कि आप डायलॉग्स को एंजॉय करते हैं, ह्यूमरस डायलॉग्स हैं. एंड यू अगर आपको चांस मिले तो ज़रूर पढ़िए द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्ले, एज वेल एज द स्कूल फॉर स्कैंडल बाय आबी शेरिडन. बहुत अच्छे प्लेज हैं, आप जरूर पढ़ के देखिए. Thus rose the two modes of imitation known by the names of tragedy and comedy. कुछ लोगों ने modes of जो है imitation बनाए, एक ने किसी ने tragedy बना ली और किसी ने comedy बना ली मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए. एक लाइन छोड़ दीजिए, दो लाइन्स उससे आगे आ जाइए. I do not recollect among the Greeks or Romans a single writer who attempted both. वो कहता है या तो लोग ट्रेजडीज लिख रहे होते थे या वो कॉमेडीज लिख रहे होते थे. मैंने अब तक कोई राइटर ऐसा नहीं देखा जिसने दोनों ही काम किए हों, कि कॉमेडीज भी लिखी हों और ट्रेजडीज भी लिखी हों. नेक्स्ट पैराग्राफ, शेक्सपियर हैज यूनाइटेड द पावर्स ऑफ एक्साइटिंग लाफ्टर विद एंड सोरो नॉट ओनली इन वन माइंड बट इन वन कंपोजिशन. वो कहता है कि उसने लाफ्टर क्रिएट करता है और सोरो एक ही प्ले के अंदर, माइंड्स के अंदर नहीं, कंपोजिशन जो उसने टेक्स्ट्स लिखी हैं कि जो बंदा भी पढ़ेगा उसने किसी के लिए सॉरो फील करेगा और किसी के लिए खुशी फील करेगा. ऑलमोस्ट ऑल हिज प्लेज आर डिवाइडेड बिटवीन सीरियस एंड ल्यूडिक्रस कैरेक्टर्स एंड इन द सक्सेसिव एवोल्यूशंस ऑफ द डिजाइन समटाइम्स प्रोड्यूस सीरियसनेस एंड सॉरो एंड समटाइम्स लेविटी एंड लाफ्टर. तो कहते हैं कभी कभी जो है वो लेविटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप लैक ऑफ रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, कोई सीरियस मैटर है आप उसको इतनी रिस्पेक्टफुली ट्रीट ना करें. और इसी तरह से जो है वो कहता है कि मैंने नहीं देखा है कि उसमें शेक्सपियर ने जो है वो दोनों चीज़ों को काम किया है उस पर, और लिडिक्रस कैरेक्टर पे भी, मज़ाक़ा खेज़ कैरेक्टर्स पे भी काम किया उसने, और सीरियस कैरेक्टर्स पे और सीरियस थीम्स पे भी काम किया है. और ये एक काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एवोल्यूशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर है जो कि पहले इससे नहीं आपको मिलता था कहीं पे. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, दो लाइंस छोड़ के आगे देखिए. द एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट, द एंड ऑफ पोएट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग. तो कहते हैं राइटिंग का एंड क्या है, कि आप किसी को पढ़ाएं, कुछ समझाएं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दें कुछ है उसे, यानी कि राइटिंग जो है उसने वो टीच करे किसी को. The end of poetry is to instruct by pleasing. और वो कहता है कि poetry का end क्या होना चाहिए, कि आप किसी को please करते हुए instruct करें. Sometimes ऐसा होता है कि लोग जो थे वो poetry में ज़्यादा interest लेते थे, और अगर prose उनके सामने आ जाती थी जिसमें बिल्कुल ना rhyme scheme होती थी ना language ऐसी होती थी, simple और arguments होते थे जिस तरह ये prose में लिखा गया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं students जो हैं वो इसमें interest ही ना लें, because ये उनके लिए थोड़ा सा boring हो जाता है. अगर यहाँ पे कोई पोएम शुरू हो जाए तो हो सकता है कि आप इंटरेस्ट लें उसमें ज्यादा. द मिंगल्ड ड्रामा मे कन्वे ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी और कॉमेडी कैन नॉट बी डिनाइड. वो कहता है कि मिंगल्ड ड्रामा जो है आपको दोनों कैफियत देता है, कॉमेडी की और ट्रेजेडी की, और ये चीज जो है इंस्ट्रक्शन ज़्यादा देती है आपको, आपको ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करती है. और जो चीज़ इंस्ट्रक्ट नहीं करे तो जाहिर है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पर्सन सैमुअल जॉनसन वो फिर क्या नहीं होगी, एंड ऑफ राइटिंग नहीं होगी, यानी कि उसका पर्पस पूरा नहीं हुआ राइटिंग का, अगर वो राइटिंग इंस्ट्रक्ट नहीं कर रही. और एंड ऑफ पोइट्री इज इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग, और पोइट्री जो कि आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रही या प्लीज नहीं कर रही, तो इन दोनों में से अगर कोई क्वालिटी पोइट्री में नहीं है तो वो कहता है कि वो पोएट्री नहीं होगी. अब प्लीज, प्लीज का मतलब क्या होगा, किस सूरत में आपको पोएट्री प्लीज करेगी. मसलन कुछ लोग जब ऐसी पोएट्री पढ़ते हैं जिस तरह से जॉन मिल्सन्स पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट की जो पोएम है जब आप उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पता लगेगी, और वो क्या है कि बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है वो पोएम. जिन लोगों को ग्रीक मिथोलॉजी बहुत डिटेल्ड नहीं आती है, कैरेक्टर्स के नाम नहीं आते हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी हुई है ग्रीक मिथोलॉजी, और जिन लोगों ने बाइबल को बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं किया हुआ है, या बाइबलिकल कैरेक्टर्स के नेम्स नहीं आते हैं उनको,
तो बहुत सारी चीज़ों को उनको समझने के लिए फिर बहुत वो कासिर होते हैं, उनको समझ नहीं आती है कि क्या चल रहा है. तो इट्स नॉट फॉर अ ले मैन, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, मिल्टन्स पोएट्री. तो अब इंस्ट्रक्शन की भी तो बात होगी ना, कि कौन बंदा पढ़ रहा है जो कि इंस्ट्रक्शन लेगा. अब एक आम बंदा पढ़ता है तो उसे क्या मिलेगा, उसे समझ ही नहीं आ रही है, तो उसने इंस्ट्रक्शन क्या हासिल करनी है. तो ये रीडर्स रिस्पॉन्स पर भी डिपेंड करेगा कि एक बंदा इंस्ट्रक्शन किस तरह से हासिल कर रहा है. जो आपके नॉलेज के लेवल्स हैं वो वेरी करेंगे, किसी का बहुत ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का उससे कम होगा. तो हर बंदा अपने मुताबिक ही मीनिंग्स लेगा, और रीडर्स रिस्पॉन्स पे जब हम बात करेंगे तो आप इस चीज़ को मज़ीद समझ सकते हैं. उससे नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दीजिए और उससे आगे आ जाइए. द प्लेयर्स हु इन देयर एडिशन डिवाइडेड आर ऑथर्स वर्क्स इनटू कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज सीम नॉट टू हैव डिस्टिंग्विश्ड द थ्री काइंड्स बाय एनी वेरी एग्जैक्ट और डेफिनेट आइडियाज. तो कहते हैं जो प्लेयर्स थे, जो ज़माने शेक्सपियर के ज़माने जो प्ले राइट्स जो जो प्लेयर्स थे, जो कि उसको एक्टर्स जो वहाँ पे एक्टिंग करते थे, तो उन्होंने उसके प्लेस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, कॉमेडीज, ट्रेजडीज एंड हिस्ट्रीज. तो अब जो है उसमें कई और भी, जिस तरह किंग रिचर्ड द थर्ड है, किंग रिचर्ड सेकेंड है, किंग हेनरी द फोर्थ है, किंग हेनरी द फिफ्थ, किंग हेनरी द सिक्स्थ, इस तरह से किंग जॉन, ये बहुत सारे जो प्लेस हैं उनको हिस्ट्री प्लेस का नाम दे दिया गया, जो कि वहाँ की हिस्टोरिकल फिगर्स पे लिखे गए थे. इसी तरह से कुछ प्लेस को उन्होंने कहा कि ट्रेजडीज हैं और कुछ को कहा कि कॉमेडीज हैं. मगर अब जो है, जिस तरह टेम्पेस्ट है इसको, या रोमांसेस में आ जाते हैं, तो ये पहले डिस्टिंक्शंस नहीं थी. टेम्पेस्ट है या अमिडसमर नाइट्स ड्रीम है, तो इनको फिर रोमांसेस में वो कह देते हैं कि ले आते हैं उनको, कि जहाँ पे इमेजिनेटिव क्वालिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स ज़्यादा होंगी, तो मे बी उनको रोमांसेस कह देते हैं. मगर सुपरनेचुरल एलिमेंट का जहाँ तक तो कॉन्सेप्ट है, तो वो हैमलेट के अंदर भी है. वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम तो हो गया, मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ उसका, या मैकबेथ के अंदर भी है. मगर हैमलेट एंड मैकबेथ आर नॉट कॉन्स्टिट्यूट बी रोमांसेस, दे आर कॉन्स्टिट्यूट बी ट्रेजडीज. तो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन वो कहता है कि इसलिए नहीं दी गई. नेक्स्ट पैराग्राफ, एन एक्शन विच एंडेड हैप्पीली टू द प्रिंसिपल पर्सन्स हाउएवर सीरियस और डिस्ट्रेसफुल थ्रू इट्स इमीडिएट इंसिडेंट्स इन देयर ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूटेड अ कॉमेडी. वो कहता है कि अगर मेन कैरेक्टर्स जो के जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स थे, जो मेजर कैरेक्टर्स थे, अगर वो प्ले उनके लिए हैप्पीली एंड हो रहा होता था, तो वो उसको कहते थे कि ये हैप्पीली एंड हो रहा है, तो वो कॉमेडी कहलाता था. द आइडिया ऑफ अ कॉमेडी कंटिन्यूड लॉन्ग अमंगस्ट अस एंड प्लेज वर रिटन व्हिच बाय चेंजिंग द कैटास्ट्रोफी वर ट्रेजेडीज टुडे एंड कॉमेडीज टुमारो. तो कहते हैं कॉमेडी का जो आइडिया था वो हमेशा से हमारे अंदर रहा है. द प्लेज वर रिटन व्हिच बाय चेंजिंग द कैटास्ट्रोफी वर ट्रेजेडीज टुडे एंड कॉमेडीज टुमारो. तो वो कहता है कि अगर आप उनकी कैटास्ट्रोफी चेंज कर दें, यानी कि कैटास्ट्रोफी क्या है, कि उसका जो डिज़ास्टर है एंड में, जो उसकी जो तबाही हो रही है, वो आप बदल दें, तो ट्रेजडीज़ कहला रही हैं आज और कॉमेडीज टमोरो. मीन्स के आप जब से फॉर एग्जांपल कि ज्यूज़ की जो सब कंडीशन थी इन वेनिस, या ओवरऑल जो वर्ल्ड में कंडीशन थी, वो बहुत ही बैड थी. उनको जितने जुल्म व सितम का शिकार किया जा रहा था, अब वहाँ पे वो बताता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वो कहता है कि यू कॉल मी ख ख डॉग. तो वो कहता है कि इसी तरह से वो कहता है कि स्पैट्स ऑन मी, तुम मेरे पर थूकते रहे हो, और तुम जो है वो गालियाँ निकालते हो हमें. और बहुत सारी चीज़ें थी कि वेनिस में उस वक्त प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे ज्यूज़, और बहुत सारे उनके साथ जो मजालिम किए जा रहे थे उनके ऊपर. तो किस तरह से फिर वो, क्योंकि अगर एक क्रिश्चियन उस जमाने का देख रहा था, तो वो उसको बहुत प्रेज करता था कि बहुत अच्छा प्ले लिखा है. एक ज्यू देखेगा तो वो पेन फील करेगा, बिकॉज हिज पीपल आर बीइंग पनिश्ड, हिज पीपल आर बीइंग टॉर्चर्ड बाय द क्रिश्चियंस. तो उस चीज़ को वो बहुत नामुनासिब जो है ख्याल करते थे. तो इस वजह से वो किसी के लिए ट्रेजेडी बन जाएगी और किसी के लिए कॉमेडी बन जाएगी. नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रेजेडी वॉज नॉट इन दोज टाइम्स अ पोएम ऑफ मोर जनरल डिग्निटी और एलिवेशन दैन कॉमेडी. इट रिक्वायर्ड ओनली कैलामिटस कंक्लूजन विद विच द कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ द एज वॉज सेटिस्फाइड
whatever lighter pleasure is afforded in its progress. तो कहता है कि ट्रेजेडी का मतलब ये नहीं था कि आप जो है वो एक पोएम जो है उसकी जो लैंग्वेज है वो जनरल डिग्निटी हो, या उसके अंदर जो है वो आम पोएम से हटके और एलिवेटेड लैंग्वेज में लिखी गई है, कॉमेडी से बेहतर लिखी गई है, वो ये मतलब नहीं था. वो कहता है रिक्वायर्ड ओनली क्लाइमेक्स कंक्लूजन. तो वो कहता है कि उसका जो एंड होना चाहिए था वो बहुत डिजास्ट्रस, बहुत ही तबाही होनी चाहिए थी उसमें, उसकी वजह से वो ट्रेजेडी बनती थी. तो आप देखते हैं कि जो ईडिपस रेक्स है उसमें ईडिपस मरता नहीं है, मगर शेक्सपियर के प्लेस में ज़्यादातर जो ट्रेजेडीज़ हैं उसमें लोग मर जाते हैं एंड में. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए. तो कहता है इस ज़माने जो था एज में क्रिटिसिज्म जो था वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड था कि ट्रेजेडीज़ जो हैं उनकी एंडिंग ऐसी होनी चाहिए. तो कहता है कि इतना जो क्रिटिसिज्म था वो डेवलप्ड नहीं था, इन अदर वर्ड्स. नेक्स्ट पैराग्राफ, हिस्ट्री वॉज अ सीरीज ऑफ एक्शंस विद नो अदर दैन क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड विदाउट एनी टेंडेंसी टू इंट्रोड्यूस और रेगुलेट द कंक्लूजन. वो कहता है कि हिस्ट्रीज के जो प्लेस थे उनका कोई ये नहीं था कि वो आपस में उनका एक सीक्वेंस भी चल रहा हो कि उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, इस तरह से आ भी सकता है, मगर वो कहता है कि वो इंडिपेंडेंट प्लेस थे. वो ये नहीं था कि आपको एक प्ले पढ़े तो आपको दूसरा प्ले भी पढ़ना पड़े अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए. वो अलग अलग थे, उनकी स्टोरीज अलग अलग थी, इंडिपेंडेंट थे, मगर उनका ये था कि क्रोनोलॉजिकल सक्सेशन में ज़रूर चल रहे थे. किंग हेनरी द फोर्थ, किंग हेनरी द फिफ्थ, किंग हेनरी द सिक्स, तो इस तरह से जो है वो सारी की सारी उसकी डिटेल्स जो है वो चल रही थी. तो इसी तरह से वो कहते हैं आगे कि देयर इज नॉट मच ग्रेट नियरर अप्रोच टू यूनिटी ऑफ एक्शन इन द ट्रेजेडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. अब एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो प्ले था उसमें वो कहता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन उसने शो नहीं की, शेक्सपियर ने उसको वायलेट किया, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ एरिस्टोटल में कि यूनिटी ऑफ एक्शन के एक्शन होल होना चाहिए, उसमें से कोई पार्ट मिस हो जाए तो ट्रेजेडी पे इफेक्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे कह रहा है कि ये चीज़ जो है उसने वो नहीं की, उसने इरेलीवेंट भी हो सकता है चीज़ें वो कहता है कि डाली हुई है वहाँ पे. देन इन द हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड द सेकेंड बट अ हिस्ट्री माइट बी कंटिन्यूड थ्रू मैनी प्लेज एंड इट हैड एज इट हैड नो प्लान इट हैड नो लिमिट्स. वो कहता है कोई हिस्ट्री के कोई प्लेस तो नहीं थे, मीन्स कोई प्लान कोई नहीं था, विदाउट एनी प्लान लिखी गई थी, तो उसकी कोई लिमिट नहीं थी, जितनी मर्जी आप उसको लिखते हैं बढ़ा दें. तो यूनिटी ऑफ जो है टाइम की भी जो बात अगर आप करें तो उसमें भी कोई एज सच कोई टाइम वन जो सिंगल डे है उसमें वो कम्प्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. थ्रू ऑल दीज डिनोमिनेशंस ऑफ द ड्रामा शेक्सपियर्स मोड ऑफ कंपोजिशन इज द सेम and a change of seriousness and merriment by which the mind is softened at one time and exhilarated at another, but whatever be his purpose, whether to gladden or depress, or to conduct the story without vehemence or emotions, through tracts of easy and familiar dialogue, he never fails to attain his purpose. As he commands us, we laugh or mourn, or sit silent with quiet expectation in tranquility without indifference. तो कहते हैं कि शेक्सपियर की जो यहाँ पे वैल्यूज हैं ड्रामा के बारे में वो क्या हैं, कि वो सीरियसनेस और हैप्पीनेस को जो है वो साथ लेके चलता है, मेरिमेंट हैप्पीनेस, बाय विच द माइंड इज सॉफ्टन्ड एट वन टाइम एंड एक्सेलरेटेड एट अनदर. तो कहीं वो सॉफ्ट हो जाता है माइंड, आप पेन फील करते हैं, आप साइलेंट होकर बैठ जाते हैं, कहीं आप लाफ्टर भी देते हैं, आप हंसते भी हैं, कैका भी लगा देते हैं. बट वॉट एवर बी हिज पर्पस वेदर टू ग्लैडन और डिप्रेस. वो कहता है कि चाहे मैं आप खुश करना चाह रहा था वो उसका पर्पस ये था, या हमें डिप्रेस करना चाह रहा था, और टू कंडक्ट द स्टोरी विदाउट वेहमेंस और इमोशन थ्रू ट्रैक्स ऑफ इजी एंड फैमिलियर डायलॉग, ही नेवर फेल्स टू अटेन हिज पर्पस एज ही कमांड्स अस विद लाफ वी लाफ और मौन एंड और सिट साइलेंट. वो कहता है जो अपने पर्पज़ में फेल नहीं होता, कभी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी हम बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं, इंडिफरेंट का मतलब लातालुक हो जाते हैं, कभी हम जो है वो बहुत कीनली जो है ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, कभी हम जो है बिल्कुल हंसना शुरू कर देते हैं. तो कहता है कि ये कम्बिनेशन है सारा उसका उसके प्लेस में. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, जो छोड़ दीजिए उससे नेक्स्ट पे आ जाएँ. शेक्सपियर एंगेज्ड इन ड्रामेटिक पोएट्री विद द वर्ल्ड ओपन बिफोर हिम,
The rules of the ancients were yet known to few. The public judgment was unformed. कहते हैं शेक्सपियर ने जो पोइट्री ड्रामेटिक पोइट्री इस तरह की लिखी, इस तरह की पोइट्री लिख रहा था कि जो कि उसके सामने दुनिया एक ओपन मौजूद थी. द रूल्स ऑफ द एंशिएंट वर येट नोन टू फ्यू, द पब्लिक जजमेंट वाज अनफॉर्म्ड. वो कहते हैं कि एंशिएंट जो राइटर्स थे, ग्रीक राइटर्स, रोमन राइटर्स, वो बहुत कम लोगों ने पढ़े हुए थे और पब्लिक जजमेंट जो थी दैट वॉज अनफॉर्म्ड. लोगों को नहीं पता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. यानी कि जो एंशियंट जो राइटर्स हैं, एरिस्टोटल है, उन्होंने क्या रूल्स पेश किए हैं, तो ज़्यादातर जो है लोग उससे अनएक्वेंटेड थे, तो उनको पता ही नहीं था कि क्या असल में ठीक होना चाहिए था या क्या डिफरेंट होना चाहिए था शेक्सपियर को. दो तीन लाइन्स छोड़ के आगे देखें. ही देयरफॉर इंडल्ज्ड इन हिज नेचुरल डिस्पोजिशन एंड हिज डिस्पोजिशन एज राइमर हैज मार्क्ड रिमार्क्ड लेट हिम टू कॉमेडी. वो कहता है कि वो नेचुरल डिस्पोजिशन राइमर कहता है कि उसकी कॉमेडी की तरफ थी rather than tragedy. यानी कि उसका जो bent of mind था वो comedy की तरफ था, tragedy की तरफ नहीं था. In tragedy he often writes with great appearance of toil and study what is written at last with little felicity, but in his comic scenes he seems to produce without labor what no labor can improve. वो कहता है कि ट्रेजडीज जो हैं उनको बहुत ही मेहनत करके लिखता है, क्योंकि उसमें बहुत ही मुश्किल इंग्लिश भी उसने लिखी है, डायलॉग्स ऐसे हैं जिसमें बहुत फ्लावरी लैंग्वेज लिखी हुई है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि लेबर से लिखी गई है. और कॉमेडी जो है वो बहुत ही समझ लें कि वो कहता है कि लाइट हार्टेडली और बहुत ही ईजिली लिखी गई है, तो इसलिए वो कहता है कि उसका बेंट ऑफ माइंड जो था वो कॉमेडी की तरफ था, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी कॉमेडीज़ पे. मगर ट्रेजडीज जो है उसने बहुत ही हार्ड वर्क करके लिखी हैं. मगर यहाँ पे आप देखें कि आउटडेटेड क्रिटिसिज्म कहलाता है कि यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वो एग्जांपल्स नहीं देते हैं. जब भी आप मॉडर्न क्रिटिसिज्म में कोई भी बात करेंगे, कोई भी क्लेम करेंगे, तो आपको एग्जांपल देके प्रूव करना पड़ेगा दो जगहों पे. एग्जांपल दिए बगैर मैं कुछ भी कह दूँ, मैं कह दूँ कि शेक्सपियर जो था वो समझ लें कि बच्चों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके ड्रामाज में आपको ज़्यादातर बच्चे नज़र नहीं आते, तो ये कोई जवाब नहीं है. जब तक कि मैं प्रॉपर प्रूफ ना करूं बाय गिविंग आर्ग्यूमेंट्स, कि उसके लेटर्स भी पढूं अगर कोई उसके लेटर्स मौजूद हों, उसके जो भी उसकी लाइफ हिस्ट्री है वो पढूं, उसकी बाकी चीज़ें पढूं, कहीं मुझे कोई ऐसे रेफरेंसेस मिले जहां पे उसने बच्चों को बुरा कहा हुआ हो, उसके कैरेक्टर्स ने बुरा कहा हुआ हो, या उनका पोर्ट्रेयल नेगेटिव ही दिखाया गया हो, फिर मैं जाके क्लेम कर सकता हूं. इस तरह से मैं बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के, बगैर किसी समझने के एग्जाम्पल दिए, रेफरेंस दिए, या लॉजिकल रीजन से बहस किए बगैर मैं अपनी बात को इस तरह से प्रूव नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो बात जो है मेरी मानी नहीं जाएगी. What no labor can improve? वो कहता है कि वो लेबर के बगैर लिखता है और कोई लेबर जो है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकती उसके वर्क्स को. वो बेहतरीन वर्क्स लिखे हैं उसने कॉमेडीज. इन ट्रेजडीज इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग आफ्टर सम ओकेजन टू बी कॉमिक, but in comedy he seems to repose or to luxuriate as in a mode of thinking congenial to his nature. वो कहता है कि comic scenes जो हैं उसमें वो अपनी nature, जैसे उस nature वो light hearted nature है जो उसे suit करती है, वो उस तरह से लिखता है. और जो tragedies हैं उसमें वो कहीं ना कहीं comic scenes लाने के लिए वो hard work करता है और labor करता है. In his tragic scenes there is always something wanting, but his comedy often surpasses expectation or desire. वो कहता है ट्रेजिक सीन्स में there is always something wanting. तो ट्रेजिक सीन्स में वो कहता है कुछ ना कुछ कमी रह गई होती है उसमें. अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया क्या कमी रह गई होती है, क्यों ऐसे कहा है, ये सैमुअल जॉनसन ने एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया हुआ है. और वो कहता है कि उसकी कॉमेडीज़ जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से, आप देखिए उसकी एक्सपेक्टेशंस जो सैमुअल जॉनसन की एक्सपेक्टेशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी भी होंगी. इट डिपेंड्स अपॉन कि जो बंदा पढ़ रहा है उसकी चॉइसेस क्या हैं, उसकी थॉट्स जो भी उसके थॉट्स हैं वो क्या हैं, वो किस तरह से सोचता है, उसका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है, वो किस चीज़ पर फोकस करता है, इससे भी मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. अब एक जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है वो औरतों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा और ये देखेगा कि मर्द औरतों को ट्रीट किस तरह से कर रहे हैं, और शेक्सपियर क्योंकि खुद मर्द है तो वो औरतों का पोर्ट्रेयल किस तरह से दे रहा है, औरतों की सफरिंग्स के ऊपर लिखेगा या बहुत सारी चीज़ों पे लिखेगा. और एक हो सकता है कि आदमी जो है
वो उस पॉइंट पे फोकस ना करे, वो हो सकता है कि पैसे के ऊपर फोकस करे कि पैसा क्या रोल प्ले कर रहा है शेक्सपियर के ड्रामाज में। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो कि ह्यूमन इमोशंस के ऊपर काम करेंगे, साइकोनलिटिकल क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे। तो ये बहुत सारी जो है डिफरेंट डायमेंशंस हो सकती हैं जब आप क्रिटिसिज्म करने जाते हैं। His comedy pleases us by the thoughts and the language, and his tragedy for the greater part by incident and action. His tragedy seems to be skill, his comedy to be instinct. अब यहाँ पे वो कहता है कि ट्रेजेडी कॉमेडी क्या है, कि वो कहता है कि उसमें जो है उसकी लैंग्वेज जो है वो हमें हमारे थॉट्स जो हैं जो उसके अंदर दिए हैं उसने, और लैंग्वेज जो दी है वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है और वो आपको प्लीज करती है। और ट्रेजेडी जो है ऑन द अदर हैंड वो कहता है कि उसमें इंसिडेंट्स और एक्शंस जो हैं, इंसिडेंट्स वाक़यात कैसे हो रहे हैं, जिसमें बादशाह का मर्डर हो गया है, किसी का कुछ हो गया, तो उससे आप जो है वो प्लेजर फाइंड आउट करते हैं, लैंग्वेज और जो है उसकी थॉट्स से वो कहता है कि नहीं करते। मगर मैं समझता हूँ कि मैकबेथ के अंदर जो है, या रोमियो एंड जूलियट है, या हैमलेट है इवन, तो आप अगर उनको पढ़ें तो उसमें बहुत वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स हैं। ऐसे नहीं है कि जो है आप कहें कि बिल्कुल जो है वो एक बेवकूफ़ आदमी ने लिख दिया, ऐसे नहीं है। यहाँ पे इसने प्रूव नहीं किया है, जिस तरह से उसके अंदर वो कहता भी है कि विल यू वॉक आउट ऑफ द एयर माय लॉर्ड, हैमलेट से जब पूछता है पोलोनियस तो वो जवाब देता है इनटू माय ग्रेव, तो वो कहता है कि हाउ प्रेग्नेंट इज रिप्लाई समटाइम्स आर, तो वो कहता है कि उसकी रिप्लाइज कितनी जो होती हैं वो भरी हुई होती है, उनके अंदर कितना कुछ मकसद होता है, मीनिंग होता है उसकी रिप्लाइज में हैमलेट की। अब वो कहता है कि अगर आप कभी क्या हवा से बाहर कभी आप मूव करेंगे, वॉक करेंगे, वो कहता है यस इन माय ग्रेव, मैं अपनी ग्रेव में जब जाऊंगा तो मैं वहाँ हवा वहाँ पे नहीं होगी एज सच। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि ये पागल बेशक होगा, मगर देर इज़ समथिंग इन इट, कि जो मैडनेस है मगर देर इज़ समथिंग जो कि जिसे आप कह सकते हैं कि सेंस है उसके अंदर। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दें कि जी क्योंकि ये इसने क्लेम कर दिया तो आप उसको मान लें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे माने, क्योंकि उसने कोई एग्जाम्पल कोट नहीं की, उसने कोई इसमें रेफरेंस नहीं दिया। हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल एंड कॉमेडी, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, और इसकी ट्रेजेडी जो है वो स्किल, स्किल और इंस्टिंक्ट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि जबिल्लत और एक होता है आपका स्किल। एक चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं पोटेंशियल, या एक चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं गॉड का गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड। एक बंदा है मसलन किसी की शक्ल बहुत खूबसूरत है या किसी की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो आप जब उसके गाने सुनते हैं या आप उसकी शक्ल देखते हैं तो आपको एक इफेक्ट अच्छा पड़ता है। ये तो हो गई गॉड की तरफ से गिफ्ट दिया हुआ है उसे, कोई चीज़ उसे गिफ्टेड है गॉड की तरफ से। एक चीज़ क्या होती है कि अब हर बंदा जो है वो गॉड गिफ्टेड हो सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो कि उसकी शक्ल अच्छी है या उसकी आवाज़ अच्छी है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ज़िंदगी तो गुजारनी है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए फिर आप अपने किसी ना किसी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं ताकि आप कल को वो बात जो है पैसा कमाने के काबिल हो सकें, तो स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। अब अगर लोग ये समझते हैं कि जो लोग सिंगर्स हैं या जो लोग मॉडल्स हैं या एक्टर्स हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है या उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि उनकी शक्ल अच्छी है लिहाजा वो एक्सेप्टेबल है हर जगह, या उनकी आवाज़ अच्छी है तो उनको हर जगह पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ऐसी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको भी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। उनको सिंगिंग में बहुत सीखना पड़ता है, प्रॉपर एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है, महारत हासिल करनी पड़ती है, अप्स एंड डाउन्स लैंग्वेज के सीखने पड़ते हैं, संगीत को सुर को सीखना पड़ता है, और फिर वो जाके समझते हैं वो चीज़ें। इसी तरह से जो एक्टर्स मॉडल्स होते हैं उनको चलने का स्टाइल सिखाया जाता है, उठने बैठने का स्टाइल सिखाया जाता है, बात करने का स्टाइल सिखाया जाता है, उनको डायलॉग्स बोलना, उनको एक्टिंग करना, हर चीज़ की इसकी अकेडमीज़ हैं प्रॉपर, वहाँ पे आपके स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। तो जब तक आप अपने स्किल्स इम्प्रूव नहीं करेंगे, अब आप जो जो लोग अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ स्किल्स सीख रहे हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार पाएँ। गॉड का टैलेंट या गिफ्ट अलहदा चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ अगर, तो मेरी आवाज़ जो थी वो आई कुड सिंग एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, और मुझे कभी सुरों में प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं सुर जो है इजीली लगा लेता था, मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं अप्स एंड डाउन्स को बोलूँ, तो ये एक टैलेंट था या ऐसे आप कह लें कि, मगर उसको मजीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। अगर मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो वो ख़राब होता जाएगा। वो इसी तरह से
जो इंग्लिश है ये समझने की मेरा स्किल है कि मैंने इसके ऊपर मेहनत की, मैंने इसको मज़ीद इम्प्रूव किया, या पेंटिंग मैंने सीखी तो उसको खुद से सीखी, खुद से प्रैक्टिस करता रहा, खुद से चीज़ें देखता रहा, समझ आ गई बहुत सारी चीज़ें। तो ये स्किल्स हैं जो कि मैंने वक्त के साथ डिवेलप कर लिए अपने। तो आप स्किल्स जब डिवेलप करते हैं तो आपको आप जॉब करने के काबिल हो जाते हैं। तो जितने आप स्किल्स डिवेलप करेंगे, पेपर में पास होना मकसद नहीं है, असल चीज़ जो है आपके स्किल्स की डिवेलपमेंट है कि आप उनको किस तरह से डिवेलप करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, दो लाइंस छोड़ के आगे देखिए। एज हिज पर्सनेजेस एक्ट्स अपॉन प्रिंसिपल्स अराइजिंग फ्रॉम जीनियस पैशन वेरी लिटिल मॉडिफाइड बाय पर्टिकुलर फॉर्म्स देयर प्लेजर एंड वेक्सेशंस आर कम्युनिकेबल टू ऑल टाइम्स एंड टू ऑल प्लेसेस दे आर नेचुरल एंड देयरफॉर ड्यूरेबल। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरल और ड्यूरेबल होती हैं, जो कि पूरी दुनिया में कायम होती हैं। मसलन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रीम्स हर जगह पे मौजूद होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लाफ्टर, हैप्पीनेस, पेन, मिजरी, डेथ एंड हॉस्पिटल्स या जो है डिजीजेस जितने भी आपकी हैं, मैडनेस, इसी तरह से लव, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूनिवर्सल हैं। तो यूनिवर्सल चीज़ों के बारे में जब आप लिखते हैं, रिलीजन यूनिवर्सल है काइंड ऑफ, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जो है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बजाय इसके कि आप जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में लिखें जिसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। मसलन अगर आप पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे तो सिर्फ वही लोग इंटरेस्ट लेंगे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तानी हैं। उसमें क्या इंटरेस्ट है एक चाइनीज़ बंदे को या एक जापनीज़ बंदे को या एक कोरियन या रशियन बंदे को या अमेरिकन बंदे को या साउथ अमेरिकन बंदे को, सिवाय इसके कि वहाँ पे बहुत ही माइनर कोई तादाद हो जो कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टेड हो और दो चार लोग वहाँ के पाकिस्तानी लिटरेचर पढ़ लें या पाकिस्तान के बारे में पढ़ लें, मगर ज़्यादातर लोग वही पढ़ेंगे जो पाकिस्तानी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आपको जो है वो लिखना किस चीज़ के बारे में है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है एक एस्पेक्ट। तो यूनिवर्सल जो टॉपिक्स होते हैं वो फिर हर जगह पढ़े जाते हैं, जिससे शेक्सपियर के प्लेस हर जगह पे दुनिया में मौजूद हैं। कोई भी मेरा ख्याल है कि दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे शेक्सपियर को जाना नहीं जाता होगा या शेक्सपियर के प्लेस नहीं पढ़े जाते होंगे, क्योंकि हर जगह पे उसकी अगर वो ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं भी पढ़ सकते हैं तो वहाँ पे ट्रांसलेशंस की फॉर्म में शेक्सपियर को पढ़ाया जाता है या उसके कुछ ना कुछ जो वर्क्स हैं उनको पढ़ाया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे आप थोड़ा सा अगर फोकस करें तो आपको पता लगता है, जिस तरह मौलाना रूम है उनको भी अब पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, बिकॉज उनकी टीचिंग्स जो हैं वो दे आर फॉर ऑल पीपल, किसी के लिए भी हो सकती हैं, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की टीचिंग्स हैं। क्या आपने स्पिरिचुअली ग्रोथ ग्रो किस तरह से करना है, या इंडियन एक जो है एक बड़े उनके जो रिलीजियस फिगर हैं सदगुरु, तो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में वो रहते हैं और उनकी टीचिंग्स जो हैं वो भी लोग बहुत देख रहे हैं। देख क्यों रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है बहुत वाइज सेइंग्स हैं, उन्होंने इतना ऑब्जर्व किया हुआ है बारीकी से चीज़ों को कि लोग जो हैं फिर वो कहते हैं कि वाकई कोई चीज़ है, ही नोज अ लॉट, बहुत कुछ जानते हैं वो। तो इसी तरह से जब आपको कहीं से भी नॉलेज मिलता है तो नॉलेज को हासिल किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग एतराज़ करते हुए मिलते हैं कि जी आप रिलीजियस नॉलेज हासिल करें, तो उस पर फिर एक हदीस है कि आपको इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। अब इसमें लोग कहते हैं जी ज़ईफ़ हदीस है, मगर बात ये आ जाती है कि अगर रिलीजियस एजुकेशन होती, अगर आप वन पॉइंट भी रखने के चले ठीक है, तो उसमें आप देखें कि अगर ये बात होती कि रिलीजियस इल्म की बात होती तो वो कहते हैं कि आप मेरे पास आएँ चाहे आपको कहीं से भी आना पड़े। दूसरी चीज़ क्या थी कि जंगे बदर में जो कैदी आए थे तो उन्हें कहा कि मुसलमान बच्चों को आप पढ़ा दें। अब उन्होंने कोई इस्लामी टीचिंग्स तो नहीं देनी थी, मगर ये था कि मुसलमान बच्चों को पढ़ा दें, पढ़ना लिखना सिखा दें, या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अम्र इब्ने हिशाम जो है जो कि अबू जहल था, तो उनमें से एक को क्यों मांगा था, क्योंकि वो दोनों आलिम थे, पढ़े लिखे थे। तो पढ़े लिखों की कदर की गई थी, अब वो पढ़े लिखे रिलीजियस एजुकेशन में नहीं थे एज सच, मे बी पुराने रिलीजन्स की एजुकेशन उनके पास बहुत ज़्यादा होगी, मगर यह है कि ये रिलीजियस एजुकेशन नहीं थी, मगर यह है कि पढ़े लिखे को फोकियत दी गई। तो मेरी जो आपसे अर्ज़ है वो ये है कि आप जितना भी नॉलेज है उसको पढ़ें ज़रूर, एक मरतबा समझें ज़रूर, चाहे बाद में भूल जाएं कुछ ना कुछ पर भी याद रह जाएगा। इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आऊँगा और फिर वो भी आपको जो है मैं आपको उम्मीद है कि ये
एक दो दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा इसको, या एक आध दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा इसको। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।